नमस्ते, विरासत में आपके स्वागत बा। ई कार्यक्रम के प्रस्तुति आप तक होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड द्वारा। आज हमने फुलियार पर अगला कड़ी के जारी रखब जा। फुलियार एगो मिला जुला इतिहास शेयर्ड हिस्ट्री होला जगह है, जहाँ 18वीं और 20वीं सदी के सौवन गुलाम लोग और हजारन भारतीय और गैर भारतीय शर्तबन मजदूर लोग रहत रलंजा, और ई लोग के वंशज लोग, ई लोग के कितने नवा पीढ़ी अपन पूरा जीवन हियाँ पर बीते लिहवंजा। ई जगह बहुत महत्वपूर्ण है ई समझे के कि दुनिया भर में शर्तबंद मजदूर संगे का बीतलबा, कैसे काम उलोग कर ले हवंजा, कैसे उलोग जियल हवंजा, उलोग के रहन सहन कैसा रहल। ई बरिस 2023 में इही अंतराल में स्टैनफोर्ड और एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट लोग ई साइट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करत हवंजा, ई देखे खातिर कि कैसे ई साइट रहल, रोजाना जीवन यहाँ कैसे बीतत रहल। ई परियोजना आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड द्वारा चलावल जाता, और यहाँ पर जे लोग रहल हवंजा, जियल हवंजा, काम कर ले हवंजा, उ लोग के सहयोग से ई परियोजना चलता। इमे बॉलो, लामोरी, पिचिट जूरी, बेलव्यागेल और रिविया जुरांपा के जनता लोग भाग लेवत हवंजा। एकर बाद ई साइट के जोन जानकारी अभी बा लिखित रूप में उ और बढ़ जाए। चेयरमैन जी, हमने के ये बतावा कि आप्रवासी घाट के द्वारा संचालित इन जो परियोजना यहाँ पर चला था आर्कियोलॉजिकल सर्वे फुलियार पर, एकर कौन महत्व बा और फुलियार ई जो सिद्धि बा ई कितना अहमता है आप्रवासी घाट खातिर और इंडेंचर्ड लेबरर्स लोग के वंशज लोग खातिर। है जो शीत में आज आल है शीत के बहुत बड़ा महत्व बा, बहुत महत्व बा। है कारण कि जब जीजू सतकानकात आपके अबोलिशन एस्क्लावाज जब गिर हो जाती एस्क्लाव नहीं मिला था आप काम करे के तो हमनिके हाइये पे हमनिके देश में ट्रांसिस थावाया अनिलिसा गिरमिटिया बोलिया को तब कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रही सा तो लोग दो दिन हौजा रहल आप्रवासी का कुलीघाट जोन बोलत रही सा हौजा से तो चल के दो दिन लगल तो हजार लन सा हाई सीटवा में जाते अभी फुलियार बोलीला सा और दूसरा नाम बाकर अंतवानित हाई प्लासवा के बहुत बड़ा गो महत्व बा। बस कि हमनी के जमीन में जोन बा हाई गो जमीन बहुत साक्रिय पहला हमनी के गिरमिटिया हमनी के गाँव जीवन हमनी के दादा जोन आ रहा है जे रहा है जमीन के ओकर मुँह रहत त सकत बोले कितना उ लोग के एगो पावन एगो दे एक पावन धरती है कि उ लोग हौजा से आल उतना दुख सह के हैजा आइलैंड से उ लोग के प्रतापे हमनी आज इतना निमन से जियती सा। ये लोग जब हैजा पी आ रहा त एगो बड़का जंगल रह जा ऐसे देखा तो जो स्थिक चवन बा हाई स्थिक चवन नहीं रहा एको बेटो के कुछ रहा खड़ा जंगल रहल चल के अलन सा हकासे प्यासे अलन सा अपन पीती पीती कुटिया बनैलन सा कैसे बजा मरई हम मरई बनैलन सा हम मरई में रहन सा घास भूस खा के वो लोग जोन मिलत रहल उतना चीज तो नहीं रहा निमन खा के खा तलन सा बोत नहीं रहल लेगा नहीं रहल घाम रहल और वो हाई प्लासवा में बहुत बड़ा पानी आवे जब पानी आवत रहल तो दिबोदमा आवे तो हौजा पे ऐसा एगो कंडीशन में हौ ट्रांसिस थावा जियल लोग जिलन से हजा पी काहे एक और महत्व बा। बस कि लोग एगो कालीमाई बने लेवन सा हजा से ज्यादा से लापरिय करे एगो कालीमाई हौ कालीमाई अभी ले हम सका बोले हमनी के गुवर्नमा के हमनी के आप्रवासी घाट के हमनी के जोन जोन जिगेक्शन रहल हौ आप्रवासी घाट लोग हमनी के कालीमाई के अभी ले को के स्वस्थ रख लेवन सा जब जेब हाँ जमीन में जब लाद डरबा तो एगो विभ्राशन मिलेला बुझाला को चीज कोई चीज तुझसे बतियाता बुझाला कि कैसे है जब बड़ा बड़ा आदमी लोग आके रहल हमनी के कैसे हमनी के बड़ा बड़ा आदमी आके रहन सा अपन बहुत दुख सालन सा हमनी से दूर देश से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आल वन सा बहुत ऐसी चीजें लोग और रेसे ऐसे लोग बन से ऐसे
आ लोगन से देखे कि जब जीजू छत खानकाट में हौ हमनी के जो गिरमिटिया लोग आ रहा कैसे कैसे जिलन से कौन कौन चीज़ों में हवे आके अकाइलो जी उ लोग फुई करा था। जब फुई कर ले वन से तब बहुत हमनी के पीती पीती इतम मिलल बा, उ लोग के कौन हाथ में चूड़ी रहल, कोनो के गो पीती गो उंगठी बा, कोनो के गो दतवन बा, वजह जो जो सकल प्रिजर्वे हो हौ रखले वन से हवे खाती हम सका बोले हमनी के देश मोरिस और इतना सका से बोले हमनी के अप्रवासी घाट बहुत अच्छा काम कर रहा बा, हमनी के जौन ऑसेंट बा, जौन हमनी के देश के जौन आगे के आदमी बा उ लोग खातिर को बहुत वालिया दे लग बा, हाई जौन सीटवन बा, जौन ऐसा प्लस वन बा और दूसरे देश में नहीं मिली। सगरो सिविलाइजेशन आल बहुत डेवलपमेंट होल और डेवलपमेंट हमनी के बहुत चीज जौन हमनी के बारह दादा लोग के रहा सब चल गल सेल पे ही जुमोन कि मोरिस अबली लेक हाई सब जा किच हाई सब जौन हमनी के अमूल्य जोन बा अभी तक हमने प्रिजर्व करके रख ले ऐसा। के ई बोला कि काहे अप्रवासी घाट ई फुलियार साइट स्वाजिया कर ले बा ई आर्कियोलॉजिकल सर्वे खातिर कौन ले पोतास बा फुलियार के और काहे ई सर्वे यहाँ पर होता। अप्रवासी घाट फुलियार गांव ई वजह से चुन ले बा कारण कि जब प्रथम बार 336 कारगर लोग इंडेंचर लेबर लोग गिरमिटिया रूप में आ रहा जा तो अप्रवासी घाट से होकर पहला उस समय के कारखाने के मालिक लोग हई जगह पर रन ले लन सा उ लोग हियाँ पर रहल और हये जगहवा में कुटिया बना के रहत लन सा लपाई के छोटा झोंपड़ी तो हई जगहवा आज हमनी के देश के इतिहास के एगो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इतना ही नहीं पूरे संसार में जहाँ तक कामगार लोग भारत से बाहर गैलन सर शक्कर कोठी में काम करे तो हये एगो जगह बचल बा जहाँ पहला कारगर लोग आ रहल काम करे तो आज अप्रवासी घाट हई जगहवा पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोफेसर लोग रिसर्चर लोग आल वंश हई जगहवा में खोद खात कर हई के अध्ययन करे और पता लगेन सर कि उ समय मशीन नहीं रहल टेक्नोलॉजी नहीं रहल आदमी कैसे अपन दिमाग के बल पर हाथ से पैर से हैसन बाची में कौन चीज शान के बनैलन से कि आज मुद्दत गुजरला के बाद भी है जगह खड़ा बा चाहे टूट गल बा चाहे खंडर हो गल बा और इस जगह के महत्व और बढ़ जाला कि विश्व विरासत जब अप्रवासी घाट बनल तो ओकर संगे रिसर्च वर्क एगो अमूल्य स्थान रखेला तो हई होला पूर्वज के आवल के हियाँ पर ठहरल और हई जे कारखाना में काम करल आने वाली पीढ़ी बन नुवो देशों दो पुपों को नेसांस उ लोग जानकारी पाए जौन कार्य करके ओकर सामने रखल जाए। जिस अप्रवासी घाट खातिर नहीं है जिस मोविस खातिर नहीं है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग आल बा हई ये रिसर्च करके पूरे संसार में बताई के कि हौ जगह जहाँ प्रथम बार उ लोग कदम रखले रहल हम तो सकब बोले आज हमनी के देश खातिर नहीं पूरे संसार खातिर हई जगह बा के हवे महत्व बा जैसे हमनी के देश में परी तालाब के बा जैसे मक्का मदीना के बा धर्म से जज्बात से हई जगह के हाउ महत्व बा और काल के नया पीढ़ी एकर जानकारी ले किताब में ग्रंथ में लिखाए लोग एकर बारे में जान के हमनी के देश के भी पहचानियन सा और हमनी के देश के पूर्वज कैसे एकर हिफाजत करलन सा कि आज भी है जगह वा सुरक्षित बा तो इस पर
काम होता जबरदस्त और परदेश से लोग आल बा। सरकार भी आप्रवासी घाट की ओर से पैसा खर्च करता ताकि इस जगह का महत्व पूरा संसार जाने। आज के ये कार्यक्रम में हमने देख लीजा कि कौन तरह से फुलियार के एगो बहुत बड़ा भूमिका बा हमने के देश के सांस्कृतिक विरासत में। कहे कि हमने के पूर्वज लोग यहाँ पर जो लोग आके बस कर रहन जा वो लोग खाली संस्कृति के ही नहीं बढ़ावा दे रहन जा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी हमने के देश में वो लोग ईख के खेती करे आ रहन जा और ईख के खेती के बदौलत ही हमने के देश के अर्थतंत्र और इकोनॉमी फलल फूलल। भले ही आज हमने नवा नवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईख के खेती करत है जा ईख के फसल करत है जा या फिर कोनो भी ढांचा के निर्माण भी रही करेंगे तो बहुत नवा नवा टेक्नोलॉजी बा आज के ज़माना में। लेकिन वो समय रहल जब खाली इंसानी योगदान ही सबसे बड़ा बात रहल, मैन पावर सबसे अहम रहल। और इस जगह के फुलियार के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ई है कि यहाँ पर शर्तबंद मजदूर यानी कि इंडेंचर लेबर लोग रहल हवन जा, उ लोग से आगे यहाँ पर गुलाम लोग रहत रहन जा और इ लोग के यहाँ पर स्थापित करे होला कॉलोनियल जो सेटलर्स रहन जा उ लोग भी रहत रहन जा। तो यहाँ पर जैसे देखबा इ जो तीन को कंपोनेंट बा हमनी के देश के जो कॉलोनियल लोग रहन जा शक्कर प्रतिष्ठान के मालिक लोग, फिर गुलाम लोग और शर्तबंद मजदूर, इस सब तीनों जो कैटेगरी के जनता रहल उ लोग सबको यहाँ जियल हवन जा और एगो बहुत ही मिश्रित संस्कृति यहाँ से फलल फूलल फुलियार में। और आज फुलियार हमनी के देश के सबसे महत्वपूर्ण विरासत में गिनल जाला। विरासत के आप देखला पसंद करला फुलियार पर जस्ती जानकारी पहला और यहाँ पर होवे होला परियोजना के बारे में आपके पता चलल। ये कार्यक्रम के ध्यान से देखे खातिर बहुत धन्यवाद। अगला विरासत तक हमने के आज्ञा दा। नमस्ते।